इसके बाद आपको देखने को मिलती है इसके अंदर लेटरल बीन्स। लेटरल बीन्स, लेटरल बीन्स के अलावा आपको देखने को मिलता है इसके अंदर बीनलेट्स का नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ बीनलेट्स। दिस इज द बीनलेट नेटवर्क। छोटी छोटी बीनलेट्स नीचे से नेटवर्क बनाती हैं। ये लीफ जो डायरेक्टली पिटियोल के ऊपर है, इट इज कॉल्ड अ सिंपल लीफ। इसको हम लीफ बोलेंगे। और लीफ लेट में क्या डिफरेंस है, लीफ लेट को मैं यहां एक्सप्लेन कर देती हूं आपको। अगेन स्टेम पोर्शन एंड द लीफ बेस। लीफ बेस क्या बनाएगा, इट विल शो स्मॉल पिटियोल फॉर्मेशन। एंड आफ्टर पिटियोल ये आगे बनाएगा, मिडरिब नहीं बनाएगा। नॉर्मली मिडरिब बनती है, ये बनाएगा रेचीज। रेचीज ऐसा हिस्सा है जिसके ऊपर एक कंप्लीट मिडरिब नहीं, एक कंप्लीट लीफलेट नहीं होता। रेचीज पे छोटे छोटे इटसेल्फ लीफ लेट्स होते हैं। तो आप जरा देखिए पिटियोल, पिटियोल के बाद इस तरीके से छोटे छोटे लीफलेट्स, दीज आर लीफलेट्स। ऐसे इस तरफ भी होंगे लीफलेट्स। इनको बोलेंगे लीफलेट्स एंड दिस इज द रैचीज। जिन प्लांट्स में मिडरिब की जगह रैचेस होंगे, लीफ ब्लेड की जगह लीफलेट्स होंगे, ये है सिंपल लीफ, ये है कंपाउंड लीफ। अब बच्चे का डाउट क्या था कि बर्ड कहां पर हो सकती है, बर्ड्स किस किस जगह पर हो सकती है, तो वो ये बोल रहे हैं कि सिंपल लीफ के एक्सल में बर्ड हो सकती है, इस पॉइंट पे बर्ड हो सकती है। दिस इज द एक्सल ऑफ अ सिंपल लीफ, इट कुड हैव अ बर्ड। बट बोल रहे हैं एक्सल ऑफ लीफलेट, लीफलेट का एक्सल कौन सा होगा, ये थोड़ी ना लीफलेट, लीफलेट तो ये है। लीफलेट अगर आप इमेजिन करिए ऐसे रैचीज है, ऐसे लीफलेट है, लीफलेट का एक्सल तो यहाँ होगा। यहाँ पर कोई बर्ड नहीं हो सकती, यहाँ पर कोई बर्ड नहीं हो सकती। बट बर्ड कुड बी प्रेजेंट एट द पिटियोलर पोर्शन ऑफ कंपाउंड लीफ। यहाँ पे कंपाउंड लीफ का पिटियोलर पोर्शन है, यहाँ बर्ड हो सकती है। एनसीईआरटी की ये स्टेटमेंट एक बच्चे को समझ नहीं आई थी, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बर्ड की पोजीशनिंग कहाँ होगी। आ गई है, सारे यस कर दीजिए, आगे शुरू करते हैं टॉपिक अपना आज का। चलिए बेटा शुरू करते हैं आगे। हम लोग कल पढ़ रहे थे विनेशंस के बारे में कि कौन कौन सी विनेशंस हम आपको जो है हम देखते हैं प्लांट्स में। तो आई टोल्ड यू कि इसके अंदर सबसे पहले जो रहेगी वो रहेगी यूनिकोस्टेट विनेशन। इसको हम कल डिस्कस कर चुके थे, यूनिकोस्टेट लीफ बेस पिटियोल, बीच में क्या होगी द मिडरिब। देखिए बेटा मिडरिब, मिडरिब मिडरिब के साथ इस तरीके से लैमिना लीफलेट। मिडरिब थोड़ी मोटी है, लेटरल वेन्स जो है मिडरिब से कंपैरेटिवली क्या है पतली, ये आप देख सकते हैं ये थोड़ी पतली है। और why it is called the reticulate venation, as I told you कि यहाँ पर veinlets का क्या बनता है network, veinlets forms network। तो यहाँ पर veinlets क्या बनाती हैं network।
ठीक है, इसका हमने एग्जाम्पल भी लिया था। मैंने आपको एक बात सुनाई थी कि रेटिकुलेट विनेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स, इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स भी शो करते हैं। तो मोनोकॉट से मैंने आपको लिखा है एग्जाम्पल ऑफ स्माइलिक्स, एलोकेशिया, कोलोकेशिया, ठीक है, और डायोस्पोरिया। ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको मोनोकॉट्स जो कि रेटिकुलेट विनेशन शो करते हैं उनका लिखवाया था। यूनिकोस्टेट का एग्जाम्पल मैंने लिखवाया था पीपल एंड चाइना रोज, पीपल एंड चाइना रोज। ऑलराइट, आगे बात करते हैं मल्टीकोस्टेट। मल्टीकोस्टेट के दो टाइप हैं। मल्टीकोस्टेट का पहला टाइप है कन्वर्जेंट, दूसरा है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट टाइप ऑफ मल्टीकोस्टेट लीफ ये कैसा दिखाई देगा बेटा? अगेन लीफ बेस, ठीक है, बीच में क्या रहेगी? मिड्रिप, पिटियोल, पिटियोल के बाद रहेगी मिड्रिप, मिड्रिप ठीक होगी, ठीक है। एंड चलिए इसको इसको थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं, डायग्राम को और क्लियर नजर आएगा कन्वर्जन टाइम। मिड्रिप को हम ऐसा बना के इस तरीके से बनाते हैं, मिड्रिप दिख तो रही है आपको तो मिड्रिप है ना, और इस तरीके से हमारा बीच हो जाएगा। अब लीफ में एक मिड्रिप नहीं है, देयर आर मल्टी, यू नो मोर देन वन मिड्रिप, तो मल्टी मिड्रिप होंगी। इस तरीके से एक और रिप जा रही है, ऐसे एक और रिप जा रही है, एक और रिप जा रही है, एक और रिप जा रही है, ठीक है। तो मिड्रिप हो गई और आपको इसके अंदर देखने को मिल रही है इस तरीके से और सारी सॉरी मिड्रिप एंड लेटरल वेन्स इस तरीके से, जो कि काफी मोटी है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आपको नजर आ रहा है इनमें। और अगेन क्योंकि रेटिकुलेट है तो इसमें क्या होगा, छोटा छोटा इस थ्रेड का स्ट्रक्चर होगा बेटा। ये क्या है? वेनलेट्स का नेटवर्क। ये हो गई मिड्रिप आपकी, ओके, एंड दिस इज द लेटरल वेन्स एंड दीज आर द वेनलेट्स। और क्योंकि ये सारे के सारे वेनलेट्स और मिड्रिप आपस में एक पॉइंट पे जाके मिल जा रही हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द कन्वर्जेंट टाइप ऑफ मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन। एग्जांपल इज सिजिफस। सिजिफस आगे देखते हैं बेटा, डाइवर्जेंट टाइप। नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डाइवर्जेंट टाइप मल्टीकोस्टेट लीफ। तो डाइवर्जेंट टाइप कुछ इस तरीके नजर आएगा। ये हो गया लीफ बेस, इस तरीके से ये लीफ होगा। इसके अंदर भी आपको इस तरीके से खूब सारी मिड्रिप्स नजर आएंगी इसके डिविजन्स के अंदर जा रही हैं, ठीक है। एंड अगेन व्हाट यू वुड सी, ये मिड्रिप्स होगी, इनके साथ एसोसिएटेड आपको दिखाई देगी लेटरल
Yes. These are the lateral wings. और आगे जाके क्या बनेगा यहाँ पर? विंगलेट्स का नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ विंगलेट्स. पर सारी की सारी जो मिड्रिब्स हैं अब वो ज्वाइन नहीं हो रही हैं. अब ये सारी की सारी क्या है? ये आपस में एक दूसरे से न्यू टॉपिक थोड़ी ना बेटा, कल का टॉपिक ही चल रहा है लेवल में. ठीक है, ये जो है विंगलेट्स, अब सारी मिड्रिब्स जो है वो एक दूसरे से ऑपोजिट साइड में जा रही है. ऑपोजिट साइड में जा रही है तो डाइवर्जेंट टाइप हो गया. इसका एग्जांपल हो गया आपके पास कैस्टर लिम्फा ग्रेपवाइन. कैस्टर लिम्फा ग्रेपवाइन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीकोस्टेट, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पैरेलल विनेशंस. पैरेलल विनेशंस जो है इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकॉर्ड्स. और इनमें एक चीज जो नहीं होती वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बताती हूँ क्या. ये मोनोकॉर्ड्स की प्रॉपर्टी है. यहाँ पर आपको नेटवर्क ऑफ विंगलेट्स नहीं नजर आएंगे. ठीक है, आपको मिडरिब नजर आएगी, लेटरल वेन्स नजर आएंगी, बट विंगलेट का नेटवर्क नजर नहीं आएगा. तो यही चीज है कि ये किस तरह की विनेशन होगी? पैरेलल विनेशन. अब पैरेलल विनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द यूनिकोस्टेट डायग्राम. यूनिकोस्टेट में हम कैसे बनाएंगे डायग्राम? यस, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा. योगी मिड्रिप and you'll see the lateral veins running parallel to each other. We'll see a midrib and the lateral veins only. So unicostate, अब इसमें क्या नहीं है? इसमें इस तरीके से pink color की जो हमने बनाई है veinlets. Veinlets are absent in this case. And this example is banana and cana. Cana is a grass. नेक्स्ट इज मल्टीकोस्टेट. दो टाइप है मल्टीकोस्टेट के, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी अबाउट द कन्वर्जेंट टाइप. कन्वर्जेंट टाइप में कैसा लीक बनेगा? This is the midrib, okay? And the midrib is there, and you will see इसके साथ lateral veins भी converge हो रही हैं. अब ये reticulate से कैसे different है? Reticulate से ये कैसे different है? क्योंकि इसमें क्या नहीं है? They don't have the veinlets. ये स्ट्रक्चर इसमें कापर से वेनलेट्स थी बीच में जो इंटरनेट कनेक्ट कर दी, इसमें वेनलेट्स नहीं है. इट इज मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट ऑफ पैरेलल विनेशन. इसका एग्जांपल है बैम्बू एंड ग्रासेस. बैम्बू एंड ग्रासेस. नेक्स्ट इज द डाइवर्जेंट टाइप. डाइवर्जेंट टाइप ये कैसा होगा?
इस टाइप का। इसमें भी क्या आपको नजर आएगा बेटा, खूब सारी मिडरिब्स यानी डाइवर्जेंट फीचर, पैरेलल एंड डाइवर्जेंट। All right, और क्या नहीं होगी, वेलेट्स एब्सेंट होगी, इनमें वेलेट्स थी, उनमें वेलेट्स एब्सेंट है। एग्जाम्पल इज टैन पाम, टैन पाम, दीज आर द टाइप्स ऑफ वेनेशंस। बट मैंने आपको क्या बताया कि मोनोकोट्स शो करते हैं पैरेलल वेनेशन, बट ऐसे कुछ डाइकॉट्स भी हैं एक्सेप्शनल केस जो शो कर सकते हैं पैरेलल वेनेशंस। वो कौन से हैं मैं आपको दो लिस्ट कराऊंगी, पहले आप ये लिख लीजिए जो आपने मैंने बताया है, सब चीजें नोट कर लीजिए। नीचे लिख देती हूँ वो कौन कौन से डाइकॉट्स हैं जो ये फॉलो करते हैं, यहां लिख देती हूँ, इंग्लिश कर देती हूँ, द डाइकॉट्स शोइंग पैरेलल वेनेशन। फर्स्ट वन इज कैलोफाइलम, नेक्स्ट इज कॉलिम्बियम एंड एनिंजियम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकॉट्स शोइंग पैरेलल टाइप्स ऑफ वेनेशन। Next, we'll discuss about the phyllotaxy. Phyllotaxy is arrangement of leaves. Okay? किस तरीके से leaves arrange है? Over the branches, or you can say over the small से branch की branch की subdivisions के ऊपर किस तरीके से leaves are, leaves and leaflets are arranged, वो पढ़ेंगे अब हम। तो मैं इसको रैप करने जा रही हूँ, ठीक है? इतना खूबसूरत डायग्राम बनाया मैंने बेटा, कलाकृतियाँ की इतनी प्यारी, तो मन नहीं करता उठाने का, उठाना पड़ेगा। चलो उठाते हैं। Okay, now we'll study about the phyllotaxy. Okay, the phyllotaxy or the arrangement of leaves and leaflets. Leaves and leaflets. A phyllotaxy दो वर्ड से बना है, पहला वर्ड है फाइलम और दूसरा है टैक्सिस। फाइलम, दूसरा है टैक्सिस। फाइलम का क्या मतलब होता है? फाइलम का मतलब होता है लीफ, टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। लीफ
अरेंजमेंट। तो लीफ कैसे तरीके से अरेंज है वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। यहां हम लेंगे तीन टाइप की फाइलोटैक्सी। नंबर वन हम पढ़ेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट को हम स्पाइरल भी बोलते हैं। We also call it spiral. Alternate phyllotaxy. Next is opposite phyllotaxy. And last one is the whorl phyllotaxy. The whorl phyllotaxy. Okay. अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में क्या होगा, कैसे लीफ अरेंज होंगे? इसमें क्या होगा, ये हमारे पास हो गया रैचीज, और रैचीज पे जो लीफ लेग्स है या आप कह सकते हो स्टेम है, स्टेम हो सकती है, रैचीज हो सकती है। अगर स्टेम होगी तो स्टेम में क्या होती है, नोड्स। At each node, ये nodes बना रही हूँ मैं, थोड़ी सी मोटी करके दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए। At each node only one leaf is present. Only one leaf is present. One leaf is present at each node. ठीक है? तो each node only one. तो इसमें आप जरा देखिए बेटा, कैंची कौन लाया था मैं यहाँ पे? तो एक नोड पे एक ही लीफ आपको नजर आ रहा है इसके अंदर। अब इसमें क्या है, अगर आप देखें रोज कितनी बन रही है, एक रो तो ये बन रही है, इस साइड को जो लीफ आ रहे हैं, एक इस साइड की रो लीफ की रो बन रही है। तो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी में टू रोज बनती है लीफ की, टू रोज ऑफ लीव्स, टू रोज ऑफ लीव्स। ओके और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्टस कंडीशन, DISTRICHOUS। डिस्ट्रिक्टस कंडीशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ टू रोज। एग्जांपल इज चाइना रोज। China rose, alternate or spiral phyllotaxy. Yes, sunlight proper मिलनी चाहिए, बिल्कुल। Arrangement इस तरीके से हो कि sunlight proper मिले। तो क्या इसको sunlight proper मिलेगी इस condition को? Obviously, इधर से भी sunlight मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। तो इस तरीके से इन्होंने अपने आप को arrange किया है। Opposite दो type के हैं। ऑपोजिट की भी दो टाइप्स हम लोग स्टडी कर लेते हैं। पहला है सुपर इंपोज्ड। और दूसरा है डेफिसिट। सुपर इंपोज्ड में क्या होगा, अब ऑपोजिट फाइलोटैक्सी में यहां पर एट वन नोड वन लीफ था, वन लीफ। यहां पर क्या होगा, वन नोड टू लीव्स। सुपर इम्पोज में क्या होगा, मेरे पास ये होगी स्टेम, स्टेम में ये हो गई हमारे पास उसकी नोड्स, एक लीफ यहां पर, एक लीफ यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ये हो गया सुपर इंपोज टाइप ऑफ अरेंजमेंट।
एंड देन विल डिस्कस अबाउट डेकोसेट. तो डेकोसेट में भी ये हमारे पास मैंने बना दी स्टेम, स्टेम में मैंने बना दी ये तीन, ये चार स्ट्रक्चर बना दी मैंने किसके, नोड्स के. अब पहले वाला जो लीफ है इस प्लेन में अरेंज है, दूसरा वाला का प्लेन ही चेंज है, एक ऐसे है दूसरा इस तरीके से है, एक ऐसे दूसरा ऐसे, ये ऐसे बाहर को निकला हुआ है. फिर अगला तो अगर आप इसको 3D में इमेजिन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऐसे हैं पहले वाले और दूसरे वाले इस एंगल पे अरेंज हैं, फिर ये ऐसे हैं और ये इस एंगल पे अरेंज. तो बेटा आप सिंपल देखिए, यहाँ पर कितनी रोज बनी, यहाँ पर भी टू रोज बनी, यानी कि दिस ट्राइकस कंडीशन टू रोज. यहाँ कितनी रो बनेगी, एक रो यहाँ बनेगी इस प्लेन में, वन टू, एक टीचर होगी उसकी रो थ्री एंड फोर, तो चार स्ट्रक्चर बनेंगे, चार रोज बनेंगे इसमें. तो ये क्या हो गया, टेट्राकस कंडीशन, ठीक है ना. Tetrachrysis condition, formation of four rows. Tetrachrysis condition. Wait a minute. Yes. Superimposed. समझ आ गया होगा आपको, and also the decussate. कंबाइंड एग्जाम्पल लीजिए ऑपोजिट फाइलोटेक्सी के, ऑपोजिट फाइलोटेक्सी में आप याद कर लीजिए गुआवा. बेटा क्या प्रॉब्लम आ गई, पॉज हो रहा है कभी कभी, मतलब बीच में थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है. आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ लेना. चलिए शुरू करते हैं आगे ना. इसके एग्जाम्पल में आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, कैलोट्रॉपिक्स गुआवा ऑपोजिट के कंबाइन ले ली, मैं अलग अलग ले ली, कंबाइन भी आपने याद करने है इसमें, इसमें आपने याद करने एग्जाम्पल जैसे कि गुआवा कैलोट्रॉपिक्स, इसको बोलते हैं अक का पौधा, अक ए के अक का पौधा कैलोट्रॉपिक्स. नेक्स्ट इज जीनिया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपोजिट फाइलोटेक्सी. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड फाइलोटेक्सी. एक मिनट बेटा, एक सेकेंड क्या बोल रहे हो आप बेटा, टेट्राट्राइकस कंडीशन जो है ये ऑपोजिट के दोनों के बेटा, ये कंबाइंड एग्जांपल बनाए मैंने आपको, डेक्यूसेट के नहीं बनाए, दोनों के लिखवा दिए मैंने, मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि गुआवा में कौन सा है इसमें कौन सा है आपको, क्योंकि बुक में सुपरपोज और डेक्यूसेट जो है वो अलग अलग नहीं दे रखा, ठीक है, आपको ये अलग अलग नहीं दे रखा, आपको कंबाइंड एग्जाम्पल से पूछता है वो आपसे, आपसे सिर्फ कम देखो ऑपोजिट के क्या एग्जाम्पल है, तो गुआवा कैलोट्रॉपिस और जीनिया आपने ऑपोजिट का याद करना है, अलग अलग सुपरपोज और डेक्यूसेट का याद नहीं करना है, ठीक है. यस, एंड एक और बच्चे ने पूछा है मैम ये वाई क्या लिखा है, वाई जो टेट्राट्राइकस कंडीशन है वो ऑस्मियम में होती है, अरे ये लिखा है ये, हाँ यस बेटा इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ऑस्मियम, ठीक है, फोर डिफरेंट रो फॉर्मेशन, ओके यस, क्योंकि आप लोगों के जो शॉर्टकट है ना मैसेजेस के वो कमी समझ आते हैं मुझे, ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड की. वर्ल्ड में एक पॉइंट पे एक नोड पे ज्यादा लीव्स होंगे, मोर देन टू लीव्स, तो वन नोड एंड मोर देन
टू लीव्स। तो ये कैसा हो जाएंगे स्ट्रक्चर, दे विल फॉर्म अ वर्ल। मान लीजिए ये इंटरनोड है, ये नोड है, इस नोड के ऊपर इस तरीके से खूब सारे अपना वर्ल बना लेंगे, राइट। आगे वर्ल फॉर्मेशन, इसका आपने एग्जांपल याद करना है एल्स्टोनिया, ये आपकी बुक में भी दे रखा है एल्स्टोनिया के बारे में। एल्स्टोनिया इज एग्जांपल ऑफ वर्ल्ड, आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल है एल्नेरियम। नेरियम में आप ये याद करना कि टोटल 3 लीव्स होते हैं एक नोड पे, एल्स्टोनिया में मोर देन 3, इट कुड बी 4 or 5, इट कुड बी 4 or 5। नेरियम, दिस इज डन अबाउट द फाइलोटेक्सी। समझ आ गया बेटा फाइलोटेक्सी के बारे में भी, क्लियर। आगे बढ़े बेटा मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। चलिए बेटा नेक्स्ट पे आते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। लीव्स अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हैं मेनी स्ट्रक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो अभी बात करेंगे कौन कौन से लीव्स की मॉडिफिकेशन है। सुनो एक और बात, आपको मैं कुछ टॉपिक जो है वो खुद से भी करने को दूंगी, जैसे कि इसके अंदर आपने प्रेजेंटेशन का बड़ा अच्छा सा दे रखा है टॉपिक आपकी बुक्स में, आपकी एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक तो डायरेक्ट है, मुझे लगता नहीं मैं पूरा बनाऊं समझाऊं आपको। प्रेजेंटेशन आपको पता है कि कैसे ओव्यूज की अरेंजमेंट होती है वो द प्रेजेंट, ठीक है। उसमें आपको मार्जिनल सी सेंट्रल एक्सल्स क्राइटल है ना बेसल, ये सारी कंडीशन आपको बुक्स में दे रखी है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। आज ही के आज आप लोगों ने वो काम करना है, प्रेजेंटेशन आपने खुद से करना है, एंड फ्लोरल फैमिलीज में पढ़ाऊंगी, उनके फीचर्स में पढ़ाऊंगी फ्लोरल फैमिलीज के, जो आपको फैमिलीज है पीछे दे रखी, तो आपको उनके फीचर्स में पढ़ाऊंगी, उनके फ्लोरल डायग्राम्स नहीं बताऊंगी बोर्ड पे, क्योंकि बहुत टाइम लगता है फ्लोरल डायग्राम्स बनाने में। और आपके एनसीईआरटी में बने हुए तीनों के तीनों फैमिलीज के डायग्राम्स, ब्रासी केसी का बना है फोर्थ फैमिली का, आपको डायग्राम देखना है, फ्लोरल सिंबल्स जो है रीड करना आते ही होंगे। मैं सारे फीचर डिस्कस करूंगी एक एक करके, और उसके मेडिसिनल प्लांट और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करूंगी। तो ये वाला टॉपिक आप लोगों को डायग्राम वाला फ्लोरल डायग्राम वाला भी आपने खुद से करना है, टॉपिक मैं डिस्कस कर दूंगी आपके साथ। अच्छा एक बात सुनना, इसके बाद आपका टॉपिक आता है इन्फ्लोरेसेंस का, लीफ के बाद, दैट इज नॉट अ वेरी बिग टॉपिक, बहुत छोटा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस एंड फूड। इन्फ्लोरेसेंस और फूड भी आज के दिन पे कंप्लीट करूंगी मैं, ठीक है। कल से तो हम लोगों को ये चैप्टर नहीं कंटिन्यू करना, बस तो आज से ही चैप्टर नेक्स्ट शुरू होगा, दैट इज द एनाटॉमी। एनाटॉमी हम कल शुरू करेंगे, बट आज आप और एक टॉपिक खत्म करके ही आपको आज मैं क्लास लीव करेंगे। तो हिम्मत बांध के रखना, बेहोश मत हो जाना, पानी पूरी पीते रहना, खाना 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 खुना भी जो बैठ के खाते रहना साथ। चलिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के अंदर हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़ेरोफिटिक प्लांट्स की मॉडिफिकेशन कैसी है। ज़ेरोफिटिक प्लांट्स के अंदर क्या आता है, लीफ मॉडिफाइज इनटू स्पाइन। कल भी डिस्कस किया था मैंने आपको पंचियास के अंदर, यूफोर्बिया के अंदर, कि इसके अंदर जो कंडीशन है इसमें लीव्स दे रिड्यूस देमसेल्फ इनटू अ स्पाइन, एंड फिर ये क्या करते हैं इसकी जगह उनकी स्टेम्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है। तो इट इज अ फर्स्ट मॉडिफिकेशन टू बिकम स्पाइन, और स्पाइन क्यों बने, फॉर प्रिवेंशन ऑफ वॉटर लॉस, प्रिवेंशन ऑफ वॉटर लॉस। नेक्स्ट इज sometimes the plants the leaf of the plant, okay, they modified into a picture shape structure. Nymphalaxis ka example lenge hum, Nymphalaxis picture plant bhi bolte hai isko,
इसमें बेसिकली क्या होता है, जरा ध्यान समझना, आपके लीफ में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो लीफ बेस होता है, ये लीफ बेस हो गया। लीफ बेस से क्या निकल के आता है बेटा, जो ये तो आपका स्टेम हो गया। लीफ बेस जो है, लीफ बेस को थोड़ा सा बता रही हूं आपको। लीफ बेस थोड़ा सा इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था, थोड़ा सा आपको याद हो, फोलन दिखाया था, फिर पिटियोल दिखाया था। इसमें लीफ बेस जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लास्क शेप का होता है। पूरा का पूरा ही लीफ मॉडिफाई हो जाता है निफेंटस के अंदर। दिस इज अ लीफ बेस, लीफ बेस। लीफ बेस के बाद क्या आता है क्वेश्चन, लीफ बेस के बाद पिटियोल आता है। पिटियोल जो है इसमें वो टेंड्रिल की तरह नजर आता है, ऐसे टेंड्रिल। दिस इज द पिटियोल। आप देख रहे हैं पूरा ही स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है वो मॉडिफाई हो गया है। और जो लैमिना है, जो लीफ ब्लेड होता है, वो इसके अंदर पिक्चर शेप का होता है, घड़ी की तरह ऐसे। There is also a lid present over the top of it. This is the lamina or the leaf blade. Okay, next is ye hai leaf apex aur ye kisliye modified ho gaya hai nifensis itna zyada, ye leaf isliye modified hai to trap insects. इंसेक्ट्स आएंगे इसी के अंदर, जो है डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसी के अंदर एक गिर जाते हैं, अपना जो ऊपर की लिड डस्ट क्लोज कर देगा और फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसके अंदर से सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर देते हैं। दे कैन आल्सो बिकम पिक्चर लाइक। ओके, देन द होल लीफ मॉडिफाइज इनटू टेंड्रिल आल्सो। टेंड्रिल भी बन सकता है। टेंड्रिल किसके अंदर बनता है, इन द केस ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट में जो लीव्स है दे मॉडिफाइड देमसेल्फ इनटू टेंड्रिल। ओके, नेक्स्ट, अगर पिटियोल मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस वो कौन करता है, लैमिना पोर्शन करता है। अगर पिटियोल जो है पिटियोल ग्रीन बन जाए और वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो उसका एग्जांपल क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ये बात याद रखना। तो पिटियोल मॉडिफाइज इनटू ग्रीन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल इज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। दीज आर द फ्यू मॉडिफिकेशंस जो हमने डिस्कस करी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती है, लीफ ब्लैडर्स, रूट्स। ओके, वो सब चीजें आपने नहीं पढ़नी क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इन तीनों चारों पे आते हैं, इसके अलावा और किसी पे क्वेश्चन नहीं पूछा। इसलिए स्पेसिफिक ही बताऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं कराऊंगी। चलिए बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस की। Petiole modifies into green structure. Petiole modifies into green structure. Example, Australian acacia. Australian acacia. अब हम बात करेंगे inflorescence की। Inflorescence का मतलब होता है arrangement of flowers. इनफ्लोरेसेंस, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। इसमें दो टाइप्स की इनफ्लोरेसेंस हम स्टडी करेंगे, रेसमोस एंड साइमोस। रेसमोस एंड साइमोस में हम कैसे हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से होती है रेसमोस, इनफ्लोरेसेंस एंड साइमोस। तो रेसमोस में हम देखते हैं shows unlimited growth.
Racemose inflorescence shows unlimited growth. Cymose shows limited growth. अब ये कैसे मैंने बोला, समझाती हूं आपको. यहां पर क्या होता है रेसमोस में, दिस इज द एक्सिस ऑफ द प्लांट, इट इज अ स्टेम एक्सिस. जो टिप है उसमें एपिकल मेरिस्टम होगा, शूट एपिकल मेरिस्टम. इसमें कभी भी टिप जो है उसका मेरिस्टम बड बनाने में या फ्लावर बनाने में कंज्यूम नहीं होता. और इसमें बड्स या फ्लावर कैसे बनते हैं, बड्स और फ्लावर बनते हैं लेटरल ब्रांचेस से. ये ब्रांचेस ग्रो करते हैं और लेटरल ब्रांचेस जो है अपने टिप पर बनाएंगी फ्लावर. फ्लावर इसके बाद अगेन यहां पर बनेगी लेटरल ब्रांच, अगेन फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, देन अगेन लेटरल ब्रांच and formation of flower, again lateral branch and formation of flower. आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में रेसमोस में सबसे पहला फ्लावर कौन सा बना, ये जो बेस के ऊपर है ये वाला फ्लावर जो कि बेस के पास प्रेजेंट है, ये ओल्ड फ्लावर है, सबसे ओल्ड है. और जो ये टिप के पास आप देख रहे हैं ये सबसे यंग है. तो रेसमोस का यही मतलब होता है, रेसमोस का मतलब होता है ओल्डर टुवर्ड्स द बेस, ओल्डर टुवर्ड्स द बेस, बेस ऑफ द प्लांट, एंड यंगर टुवर्ड्स द टिप. ये चीज दिस विल शो अनलिमिटेड ग्रोथ. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ सक्सेशन इज ऑल्सो कॉल्ड राइट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्रोपेटल सक्सेशन. इट इज कॉल्ड द एक्रोपेटल सक्सेशन. Next is we talk about the cymose inflorescence. Cymose में basically क्या होगा, सबसे पहली बात तो जो axil of the stem होगी इसका meristematic tissue सबसे पहले ही flower बना देगा. और अब जब वो एक बार ही flower बना देगा या bud बना देगा अब वो और आगे नहीं बढ़ेगा. इसके अंदर unlimited growth होगी क्योंकि tip कभी भी modify नहीं हो रही, इसमें tip की modify होगी tips की लिमिटेड ग्रोथ होगी प्लांट्स की. और इन प्लांट्स में सबसे पहले यहां पर फ्लावर बन गया, कंज्यूम हो गया ये, ठीक है. एंड देन बेस के ऊपर से निकलेगी लेटरल ब्रांचेस लाइक दिस. दिस लेटरल ब्रांचेस की भी टिप जो है वो अब कंज्यूम हो जाएंगी फ्लावर बनाने पे. अब सर आप खुद देखिए पहले ओल्डर फ्लावर कहाँ है, ओल्डर टुवर्ड्स दी टिप एंड न्यू टुवर्ड्स दी बेस, ये यंग है. अब आप आगे देखिए, मान लीजिए अब ये बन चुका है, ये ओल्ड हो गया, इसके बाद इसके टिप पे ये है, इसके बेस के ऊपर से फिर एक ब्रांच निकलेगी और उसके ऊपर फिर और यंगर नए फ्लावर्स ग्रो करेंगे. तो ये उल्टा हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ओल्डर टुवर्ड्स द टिप. एंड यंगर एट बेस, इसको बोलेंगे बेसिपिटल सक्सेशन. Basipetal succession. These are the inflorescence. Two inflorescence. आपने
होमवर्क में इनके एग्जाम्पल्स लिख के लेके आने हैं। कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी में बड़े अच्छे से दे रखे, सुंदर सुंदर करके इनके एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फ्लावर। फ्लावर की बात करेंगे, इनफ्लोरिसेंस का टॉपिक में मिटाने जा रही हूँ, फ्लावर्स की बात करेंगे आप बेटा। ओके, यस, बेटा क्या पूछ रहे हो? वीडियो इज नॉट क्लियर साक्षी चौहान। बेटा बाकी सबके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो के अंदर। एग्जांपल्स मैंने बोला बेटा आप खुद से लिख के लेके आएंगे, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। ओके ओके, चलिए बात करते हैं फ्लावर की। अब फ्लावर में आपको मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले आपके नीचे बेसल स्टॉक देखते हैं। इस स्टॉक को बोलते हैं, व्हाट इज दिस स्टॉक इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, हाँ बेटा आपको साक्षी काम करा करो बेटा, अगर आपका ना इंटरनेट वगैरह चला जाए कभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, ऑलवेज ट्राई कि आप ऑलरेडी एक फोन के साथ अपना और मतलब वाईफाई जो है वो शेयर करके रखें, ताकि एकदम से आपको दूसरे फोन से मदद मिल जाए। थोड़ा बहुत इश्यू रहता है नेटवर्क का, बट और थोड़ा कोशिश कर रहा था कि नेट पे ज्यादा फालतू वीडियोस ना देखें, क्योंकि उससे बहुत कंज्यूम होता है इंटरनेट, तो कोशिश करें फिर दूसरे से कनेक्ट करके देखें अगर नहीं हो रहा। चलिए बात करते हैं इस स्टॉक की, से होते हैं पेडिसिलिन। स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पेडिसिलिन एंड द टॉप मोस्ट पार्ट व्हिच इज लिटिल बिट स्वोलन, this is called the thalamus, thalamus part of the flower. इस thalamus के ऊपर आप देखते हैं female reproductive organ, ऐसे this is the gynoecium part of the flower. gynoecium part में आपको पता है ये क्या होगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसके अलावा आपको दिखाई देंगे इसके अंदर द एंड्रोशियम पार्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जस्ट अ सेकेंड, मैं दूसरे कलर से शो करके आपको अच्छे से दिख रहा है। दिस इज द male reproductive part, the androecium. Okay, and androecia it consists of the anther and the filament. Also आप इसके अंदर देख सकते हैं बेटा द पार्ट ऑफ पेटल, ये पेटल है, ये पेटल हो गया एंड दिस पेटल इज ऑल्सो कॉल्ड कोरोला। कोरोला से नहीं बाहर आप देखेंगे बेटा कि आपको दिखाई देगा, एक मिनट बेटा रुक जाइए मैं खुद चेक कर रही हूँ। बेटा क्लियर तो आ रही है वीडियो, मेरे को तो दिख रही है बिल्कुल अच्छे से दिख रही है वीडियो, आपको आपको नहीं दिख रही है क्या? ओके यस यस, नेक्स्ट इज ये पोर्शन, ये हो गया इसमें स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेपल्स।
सैपल्स को हम क्या बोलते हैं? किलेट्स, किलेट्स. दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यू कैन से द फ्लावर. और फ्लावर में आप ये कह सकते हो फोर बॉल्स होते हैं, फोर बॉल्स. सबसे बाहर होता है वर्ल ऑफ किलेट्स, द वर्ल ऑफ किलेट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल के. नेक्स्ट इज दिस पोर्शन, नेक्स्ट इज द वर्ल ऑफ पेटल्स, द वर्ल ऑफ कोरोला रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी. देन द वर्ल ऑफ male reproductive part, androecium. Represented by A. And the innermost whorl of gynoecium G. K, C, A, G. These are the four whorls. एंड इस फोर वर्ल्ड में से जो बाहर वाले दो वर्ल्ड हैं यानी के एंड सी वाले वर्ल्ड, कैलिक्स एंड कोरोला वाले वर्ल्ड, इन्हें बोलते हैं नॉन असेंशियल वर्ल्ड, क्योंकि इन वर्ल्ड में कभी भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती. एंड दीज आर कॉल्ड द असेंशियल वर्ल्ड. ये गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं. ठीक है बेटा जी, समझ आ गया डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड द फोर वर्ल्ड्स. नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू द फ्लावर. अब टर्म्स में हम सबसे पहले बात करेंगे कंप्लीट फ्लावर. कंप्लीट फ्लावर मैं आपको लिखना बोल देती हूँ, आप लिख लीजिएगा. कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर इज अ फ्लावर विच इज कंसिस्ट ऑफ ऑल फोर वर्ल्ड्स. इसमें भी चारों वर्ल्ड्स प्रेजेंट होंगे, वो होगा कंप्लीट फ्लावर. कंप्लीट फ्लावर. इनकम्प्लीट फ्लावर में इनमें से कोई भी वर्ल मिसिंग हो सकता है. और मोस्टली हम ये कहते हैं कि मिसिंग क्या होना, एंड्रोशियम गाइनोशियम असेंशियल वर्ल्स में से कोई एक हो सकता है मिसिंग. यस, सो देन इट विल बी द इनकम्प्लीट फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर प्रेजेंट होगा. तो बाइसेक्सुअल मतलब जहां पर ये दोनों एक ही फ्लावर प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर जहां पे इनमें से कोई एक ही सिस्टम प्रेजेंट है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे. ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर रहेगी. आगे बात करेंगे बेटा सिमेट्री ऑफ द फ्लावर. फ्लावर को जब कट करेंगे तो उसमें कौन कौन सी सिमेट्री हम देख सकते हैं. तो बेटा अगर More than one plane of division है, जैसे आप लोगों ने animal से case में symmetry पढ़ी थी, अगर किसी flower को हम more than one plane of division से cut कर सकते हैं, तो एक इस तरह का sign आ रहा है, plus shape का sign. इस type को बोलते हैं हम actinomorphic flower. Actinomorphic flower, which is having more than one plane of division. और उसको हम साइन किससे शो करते हैं? प्लस के साइन से ही शो करते हैं. नेक्स्ट इज जाइगोमॉर्फिक, ओनली वन प्लेन ऑफ डिवीजन. जरा देखिए बेटा, ऐसे हम एक ही साइड से कट कर सकते हैं. एक हाफ यहाँ आएगा, एक हाफ यहाँ आएगा. ये हो गया परसेंटेज वाला साइन, इसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक. कौन से फ्लावर एक्टिनो है, कौन से जाइगो है, ये हम क्लास वाइज पढ़ेंगे. जब हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरल फैमिलीज पढ़ेंगे वहां देख लेंगे. तो बेटा आपको समझ आ गया होगा कि सिमेट्री कौन कौन सी है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ गाइनोशियम. गाइनोशियम के पोजीशन के बेसिस पे कौन कौन से टाइप के फ्लावर्स हो सकते हैं.
अब सबसे पहले मान लीजिए गायनोशियम सबसे ऊपर प्रेजेंट है, टेपल्स में पेटल्स एंड सेपल्स आर फ्यूज्ड, ओके, एंड दे कंबाइंडली कॉल्ड पेरेंट। ये टेपल्स बोलेंगे हम इसको, हम इसके अंदर पेरेंट्स कंडीशन में बोल सकते हैं, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, पोजीशन ऑफ थैलेमस। पहले हम बात करेंगे कि गायनोशियम कहां प्रेजेंट है। पहले हम कंडीशन पढ़ेंगे हाइपोगायनस कंडीशन, हाइपोगायनस कंडीशन मतलब जो ओवरी है दैट इज सुपीरियर ओवरी, और सुपीरियर ओवरी को गायनोशियम होगा सुपीरियर होगी, उसके नीचे ऐसे बार का साइन रहता है और ऊपर जी लिखा जाता है, इसका सिंबल यूज फॉर सुपीरियर ओवरी। अब इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी बेटा, ये हो गया थैलेमस, ये हो गया पेडिसिल, थैलेमस, ठीक है, पेडिसिल, थैलेमस, थैलेमस के ऊपर इस तरीके से आपको ओवरी नजर आएगी, एंड ऑल द फ्लोरल अदर अदर बॉल्स आर बीनीथ द ओवरी, ओवरी के नीचे होंगे बाकी सारे बॉल्स। ये मेन वाला पार्ट हो गया, वो किसके नीचे है, थैलेमस किसके नीचे है, और जो पेटल्स है वो किसके नीचे से निकल रहे हैं, सेपल भी इसके नीचे से निकल रहे हैं, ओवरी सबसे टॉप पर है, ओवरी सबसे टॉप पर है, इसलिए इसको बोला हाइपोगायनस कंडीशन। द हाइपोगायनस कंडीशन यू से इन द चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल। से मेंशन कर रखे हैं एग्जांपल्स और डायग्राम भी मेंशन कर रखे हैं, एंड दिस इज द सुपीरियर ओवरी, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द पेरिगायनस कंडीशन। और इसको समझिए पेरिगायनस कंडीशन में क्या होगा, इसमें हाफ इंफीरियर ओवरी होगी, हाफ इंफीरियर ओवरी में क्या रहेगा, जो ये होगा पेडिसिल, पेडिसिल जो है वो इस तरीके से कप लाइक शेप का थैलेमस बनाएगा, ये हो गया पेडिसिल, कप लाइक शेप का हो गया थैलेमस, बीच में आपको दिखाई देगी ओवरी इस तरीके से, एंड जिस पार्ट देखिए ओवरी थोड़ी नीचे ली गई है और ओवरी थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इधर से ही इस जगह पे प्रेजेंट है द पेटल्स और द सेपल्स, ओवरी थोड़ी नीचे चली गई और बाकी जो बॉल की जो बाकी बॉल्स थे वो थोड़े से ऊपर आ गए, इसे सेमी इंफीरियर ओवरी भी बोलते हैं, पेरिगायनस कंडीशन को सेमी इंफीरियर ओवरी। पीच पल्म एंड रोज, पीच पल्म रोज, इनमें आप ये कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट इज एपिगायनस कंडीशन, inferior ovary, इसमें जो सिंबल यूज करेंगे दैट इज जी और जी के ऊपर बार, तो इंफीरियर ओवरी होगी। इंफीरियर ओवरी में क्या होता है, नीचे पेडिसिल, थैलेमस जो है वो बिल्कुल कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, टॉप पर कप लाइक स्ट्रक्चर और फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ओवरी इसके अंदर ही बंद हो गई है और हल्का सा सिर्फ उसका स्टाइल और कुछ पोर्शन स्टाइल का और ऊपर स्टिग्मा की बाहर निकली है, और थैलेमस और थैलेमस है और ओवरी है, दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड है, थैलेमस एंड ओवरीज आर फ्यूज्ड। इस पॉइंट पे होंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि बहुत ऊंचे है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के कंपेरेटिवली, फ्लावर्स के पेटल्स एंड देन सेपल्स, इसे बोलेंगे इंफीरियर कंडीशन ऑफ ओवरी, इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ सनफ्लावर, इट इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ सनफ्लावर, ऑल्सो इन द केस ऑफ गुआवा एंड कुकम्बर, गुआवा एंड कुकम्बर। पैरी में कोई सिंबल यूज नहीं होता,
पैरी का कोई सिंबल नहीं होता, ठीक है, पैरी को हम किस सिंबल से, ऐसा कोई सिंबल नहीं जिसमें जी को काट दे बीच में से, कोई सिंबल नहीं है पैरी का, सिर्फ हाइपो एंड एपिगैमिस कंडीशन का सिंबल होता है। चलिए बेटा, hopefully आपको ये टॉपिक भी समझ आ गया होगा, एग्जाम्पल भी समझ आ गए हैं। We'll talk about the next thing and that is the estivation. तो इसमें क्या होगा? Arrangement of sepals and petals. Estivation. Estivation का टॉपिक भी हालांकि आपकी बुक में दे रखा है और आप सोच रहे होंगे कि मैडम आप बोलोगे अभी घर से कर लेना, पर एक छोटी सी चीज जो मैं आपको खुद से बताना चाहती हूँ इसलिए मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मेरा को दे सकती थी कि आप खुद से पढ़ लेना, एनसीईआरटी ने भी इस चीज दे रखा है, बट थोड़ा सा आपको इसको समझाने का एक तरीका बताना है आप यहाँ इसको याद कर सके अच्छे से, तो मैं आपको टॉपिक। ठीक है, यस, एस्टिमेशन, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। एस्टिमेशन में हम पढ़ेंगे, इसके अंदर टोटल हम पढ़ेंगे इसमें फोर टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन। नंबर वन इज द बेल वेट, द बेल वेट एस्टिमेशन। बेल वेट में जो एस्टिमेशन रहती है इसमें पेटल्स या सेपल्स जो होते हैं ये एक दूसरे को सिर्फ मार्जिन से टच करते हैं, कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, मार्जिन से टच करेंगे कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये देखिए बेटा इस टाइप की कंडीशन रहेगी इसके अंदर, ये प्लांट की जो पेटल्स हैं या सेपल्स कुछ भी हो सकते हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को जस्ट टच करेंगे फ्रॉम द मार्जिन। अब मैं ना एक हाइपोथेटिकल सा वे बता रही हूँ आपको याद करने का, ऐसा कोई कहीं बुक्स में या ऐसा करके मत आ जाना इस तरीके से, मतलब आपको याद करने के लिए पर्सनली दे रही हूँ, है ना, खुद से बना के दे रही हूँ ये आपको तरीका, आपको याद करने में आसानी रहे। जब भी आप वेलवेट याद करोगे तो वेलवेट के साथ आप एक फॉर्मूला याद करना, एंड दैट इज 5OO, 5OO, ये सिंबल याद करना। आप सोच रहे ये क्या बना दिया मैंने, ठीक है बताती हूँ मैं आपको, ये हाइपोथेटिकल चीज है। अगर हम देखें या ये जो सेपल है ये दोनों साइड से ओपन है, ओपन का इंटरनेट कहीं भी किसी भी तरीके से ओवरलैप नहीं है, फ्री है, ओवरलैप नहीं है किसी से, कोई ओपन टाइप नहीं। ये पैटर्न भी क्या है? ओपन, ओवरलैप नहीं है, ओपन 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 ओपन। कितनी कंडीशन होगी ओपन ओपन? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 ओपन ओपन कंडीशन इज द फॉर्मूला ऑफ वेलवेट। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड, अभी देखा ट्विस्टेड को जब बताऊंगी तो आपको ये और समझ आएगा। नेक्स्ट इज ट्विस्टेड, और ट्विस्टेड का जो मैं फॉर्मूला बच्चों को बोलती हूँ ये याद रखना, 5OC, 5OC, 5OC कैसे अभी देखते हैं। ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन,
ये कंडीशन, ये ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड में ये साइड फ्री है, कोई भी चीज को ओवरलैप नहीं कर रही है, तो ओपन है ये एंड, ये एंड जो है वो ओवरलैप्ड बाय दिस वन, दिस इज क्लोज्ड एंड, दिस इज ओपन एंड, दिस इज क्लोज्ड एंड, this is open end, this is closed end, this is open end, this is closed end, this is open end, this is closed. क्या condition बन गई? 5 OC, right? 5 OC. Next is imbricate estimation. Imbricate का formula अब आप मुझे खुद बना के दिखाएंगे, मैं आपको diagram बता रहा हूँ imbricate का क्या है. इम्ब्रिकेट में आपके पास डायग्राम कुछ इस तरीके का है, ये है इंडिकेट एस्टिमेशन. तो क्या फॉर्मूला बनेगा इंडिकेट एस्टिमेशन का, ये क्या है? क्लोज्ड, क्लोज्ड, ओके, ये क्या है? ओपन, क्लोज्ड, ओपन, क्लोज्ड, ठीक है, ये क्या है? ओपन, क्लोज्ड, ओपन, ओपन, राइट. तो क्या बना इसका फॉर्मूला? पहले हम बात करेंगे वन ओ ओ, वन सी सी, थ्री ओ सी, एक ओपन ओपन, दो क्लोज क्लोज, सॉरी एक क्लोज क्लोज एंड तीन ओपन एंड क्लोज स्ट्रक्चर्स, राइट. समझ आ गया इसका फॉर्मूला इंब्रिकेट का, वन ओ ओ, वन सी सी, वन थ्री ओ सी. आपको जैसे ही वो फॉर्मूला देगा फाइव ओ ओ, वेलडेड पे टिक करना है, मतलब देगा नहीं फॉर्मूला ही देगा, मतलब आपको जैसे डायग्राम आएगा आप काउंट करोगे ऐसे ओ ओ है, फाइव ओ ओ से आपको वेलडेड याद आ जाएगा, ओ सी से ट्विस्टेड, इतना बड़ा सा जो आएगा अजीब सा ओ ओ सी सी ओ सी वाला, आपको इसमें इंब्रिकेट पे टिक करना है. ये ट्रिक है शॉर्ट जो मैंने आपको बताई है. लास्ट इज the vexillary estimation. Simple, simple क्या बोल रहे बेटा? Simple मतलब क्या? आ गया समझ? खुशबू. Simple क्या क्या मतलब था बेटा? समझ आ गया? Okay. चलिए आगे बोलेंगे vexillary estimation, इसे butterfly estimation भी बोलते हैं. Butterfly estimation. या vexillary. वेक्सिलरी एस्टिमेशन में क्या होता है? एक तो बहुत बड़ा पेटल होगा प्लांट्स में, बहुत बड़ा पेटल होता है. ये पेटल कवर करता है नेक्स्ट पेटल्स को, लाइक दिस. और सबसे छोटे पेटल्स सबसे नीचे की तरफ आते हैं. ये स्ट्रक्चर, इसमें सबसे बाहर वाले बल को बोलते हैं स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड. नेक्स्ट वाले को बोलते हैं विंग्स, अंदर वाले को बोलते हैं कील. ये शेप देखते ही आपको वेक्सिलरी याद आना चाहिए. वेक्सिलरी का एक फॉर्मूला बनाना हो तो हम क्या बोलेंगे? ये एंड ओपन, ये एंड ओपन, वन ओ ओ, फिर ये एंड क्लोज, ये एंड ओपन.
क्लोज एंड फ्यूज्ड। F वाला फॉर्मूला लग गया, F वाला फॉर्मूला लग गया, फ्यूज्ड लग गया, वैक्सिलरी एस्टिमेशन हो जाएगी। ऐसा F और किसी में अभी आपने नहीं देखा, राइट? सो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एस्टिमेशन। चलिए इनके एग्जांपल भी स्टडी कर लेते हैं। जो लास्ट वाली मैंने बताया P और B की कैंडिडेट P एंड beans, the vexillary estimation, and the velvet is the property of calotropis. नाम बताया था मैंने calotropis को क्या बोलते हैं? अक का पौधा। calotropis, mustard. Next is the twisted. This is in the case of ladyfinger and it is also present in the case of cotton plant, right? Also in the case of China rose. Right? Now we'll talk about the imbricate condition. It is in the case of cassia and bulbomer. These are the four types of estimations. Next topic is अच्छा बर्ड्स मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक आपने क्या करना है? प्लेसेंटेशन का डायग्राम बुक्स में बहुत क्लियर दे रखे हैं। डायग्राम्स के साथ आपने एग्जांपल्स भी पढ़ने हैं। तो प्लेसेंटेशन खुद से कर लेना बेटा, टॉपिक जिम्मेदारी थी तो मैं आपको दे सकती हूँ, right? And next I will talk about the fruit. Fruit में आपकी बुक्स में कोकोनट और मैंगो को दे रखा है। कोकोनट और मैंगो ट्रू फ्रूट्स होते हैं। इसके अलावा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी होते हैं और फॉल्स फ्रूट भी होते हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मैं आपको तीनों कैटेगरी डिफरेंशिएट कर देती हूँ। हम टाइप्स ऑफ फ्रूट की पढ़ेंगे, जिसमें हम ये पढ़ते हैं ना ड्रूप स्टोन, आपको सिर्फ ड्रूप के बारे में बता रखा है, ड्रूप फ्रूट्स के बारे में। हर एक बेरीज या आप समारा, सिंपल समारा बुक्स को देखो तो बहुत जो डिटेल में दिया होता है, वो सारे फ्रूट्स की कैटेगरी आपने नहीं पढ़नी। यहाँ कोकोनट और मैंगो से आगे नहीं बढ़ना, और आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वो डिफरेंट करवाना आपको बहुत जरूरी है। तो आई टेल यू, ये बता देते हैं। हाँ, ये टॉपिक के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फ्रूट्स के बारे में थोड़ा सा। बहुत इजी है आज के बाद आपको फ्रूट की मुश्किल नहीं लगेगा। फ्रूट का टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है, नहीं लगेगा इसके बाद, समझ लेना। ओके तो यस, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है ओवरी। ओवरी ओवरी जो है बेटा, ओवरी मॉडिफाइज इनटू, ओवरी मॉडिफाइज इनटू फ्रूट। तो फर्टिलाइज्ड ओवरी या राइपन्ड ओवरी, और जो वॉल ऑफ ओवरी है, ये वॉल, द वॉल ऑफ ओवरी इट विल गोइंग टू फॉर्म द वॉल ऑफ द फ्रूट। ओवरी फ्रूट बनाती है और फ्रूट की वॉल जो है ओवरी बनाती है, तो ये बनाएगी फ्रूट बॉल, फ्रूट बॉल, ठीक है? फ्रूट बॉल को हम पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट बॉल को वी कॉल इट पेरिकार्प। ये टर्म्स आपकी बुक में सब दे रखी हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पेरिकार्प, अब पेरिकार्प जो होती है बेटा, वो दो टाइप्स के फ्रूट होते हैं, वो आपको बता देती हूँ कौन कौन से टाइप्स के फ्रूट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ ड्राई फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स, अब कैशनट्स आप को भी वॉलनट कुछ भी देखिए, ड्राई फ्रूट्स का जो पेरिकार्प है, यानी जो फ्रूट का बॉल है, इट इज नॉट सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। पर ड्राई फ्रूट्स की जगह एक होते हैं फ्लैशी फ्रूट्स,
जूसी, इनके अंदर पेरिपार्प इज डिफरेंशिएटेड इन थ्री मेन पार्ट्स, ठीक है, तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, और वो तीन मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, बाहर की तरफ एपिकार्प, बीच की तरफ मीजोकार्प, फिर आ गया एंडोकार्प। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लैशी फ्रूट में ही पेरिकार्प की डिफरेंशिएशन दिखाई देगी, ठीक है, ड्राई फ्रूट में पेरिकार्प पेरिकार्प ही रहता है, उसमें तो सब डिविजन आपको नजर नहीं आती है, ये बात ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरी के अंदर बीच में, अब सेंटर में क्या रहता है इसके अंदर बेटा, सेंटर में रहता है ओव्यूल, ओवरी के अंदर रहता है ओव्यूल, तो ओव्यूल जो है इट विल मॉडिफाइड इनटू सीड। अब एक बार ध्यान से कि क्या पूरा फ्रूट बन गया कि नहीं, गॉल ऑफ द ओवरी विल फॉर्म द पेरिकार्प, एक फ्रूट की लेयर बनेगी, ठीक है, अभी तीन पार्ट्स की हो सकती है, ठीक है, ओके, यस। सो अब इमेजिन कर लीजिए इन द केस ऑफ मैंगो, मैंगो का एग्जांपल ले लीजिए, मैंगो का ही लेते एग्जांपल, मैंगो में जो बाहर वाली कोटिंग है, ठीक है, जो फ्रूट की कोटिंग है बाहर वाली, ठीक है, मतलब पेरिकार्प, पेरिकार्प की सब डिविजन आप देख सकते हैं, फ्लैशी फ्रूट है ना, जूसी फ्रूट है मैंगो, उसमें सबसे बाहर आपको जो कवरिंग दिख रही है वो किसकी दिख रही है, एपिकार्प। फिर बीच में जो आपको बड़ा मजा आता है खाने में पोर्शन, दैट इज द मीजोकार्प, है ना, और फिर गुठली का, फिर अंदर से गुठली निकल के आती है जिसको चूस चूस के जो बड़े मजे से लेके आप खाते हो, है ना, तो वो हो गया उसका एंडोकार्प। एंडोकार्प के बाद अगर आपने कभी मैंगो को कच्चे आम को खोल के देखा हो, उसकी गुठली के अंदर भी सफेद रंग का कुछ हिस्सा निकलता है, दैट इज द सीड पार्ट और द एम्ब्रियो, सीड और द एम्ब्रियो, बन गया फ्रूट की नहीं, मैंगो का स्ट्रक्चर क्लियर है, राइट, ऐसे ही होते हैं ना। तो ये डायग्राम आपको बुक में दे रखा है, अब मैं आपको डिफरेंशिएट करती हूँ बिटवीन ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स एंड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है, चलिए इनको कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द ट्रू फ्रूट्स, कंपैरेटिवली करते हैं, इजी रहेगा आपके लिए, सबसे पहले आ गया ट्रू फ्रूट्स, नेक्स्ट इज फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट सॉरी फॉल्स फ्रूट एंड देन इज पार्थिनोकार्पिक, पार्थिनोकार्पिक। हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तीन प्रॉपर्टीज देखनी होती है हमारे इसके अंदर, जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है, किस टाइप की ओवी यूज हो रही है इनको बनाने में। तो सबसे पहले याद रखना, रट्टा मार लो, क्रैम कर लो, ये चीज आपको दिमाग में घुसी होनी चाहिए कि ट्रू फ्रूट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सुपीरियर ओवी, सुपीरियर ओवरी, हमेशा सुपीरियर ओवरी से बना होता है ट्रू फ्रूट, गायनोशियम कंडीशन इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, राइट, और फॉल्स फ्रूट हमेशा ही इंफीरियर ओवरी से होगा, जी इंफीरियर, और पार्थिनोकार्पिक, अब ये दोनों ही, चाहे वो ट्रू फ्रूट हो या फॉल्स, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, पार्थिनोकार्पिक में नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी, ओवरी की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, पहला पॉइंट ओवरी के बेसिस पे था, राइट। आगे हम बात करेंगे, हम इसको ये लिख लेते हैं, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को सेकंड पॉइंट में कवर कर लेंगे, हमने इंफीरियर ओवरी लिखी ना, यहाँ लिख लेते हैं कंडीशन कुछ भी हो, इंफीरियर हो सुपीरियर हो उससे कोई नहीं है, ये कंडीशन में हम ये बात करेंगे कि इसके अंदर अनराइपेंड ओवरी होगी, अनराइपेंड ओवरी,
could be superior but unripened होगी, तो ये better है वर्ड ना unripened. Next is fertilization के basis पे. Yes, true fruits में fertilization हमेशा होती है. Fertilization ये present रहती है. False fruit में भी fertilization present रहती है, but पार्टी का पार्टी में fertilization जो होती है, fertilization का process नहीं होता. आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करेंगे इसको लेके कि इसके अंदर सीड होगा कि नहीं. तो अब फर्टिलाइजेशन का सीड की प्रॉपर्टी, सीड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द ट्रू फ्रूट, सीड इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉल्स फ्रूट, बट सीड इज ऑलवेज एब्सेंट इन द केस ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. एग्जांपल ऑफ अ ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट को हम यूकार्पिक बोलते हैं, यूकार्पिक. इसका एग्जाम्पल ले लीजिए मैंगो एंड कोकोनट. मैंगो कोकोनट. फॉल्स फ्रूट में आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा पाइनएप्पल एंड फॉल्स फ्रूट की एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा पाइनएप्पल ही एप्पल सॉरी पाइनएप्पल बोल दिया एप्पल 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 इज अ फॉल्स फूड. एप्पल में जो सीड्स देखने को मिलते हैं आपको अंदर है ना, एप्पल बट इज अ फॉल्स फूड, इनफीरियर होने से बना हुआ है. एप्पल इज अ फॉल्स फूड, मोरस एंड कैश्यू नट. मोरस एंड कैश्यू नट. एप्पल मोरस कैश्यू नट. आगे बात करेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की. पार्थिनोकार्पिक में बनाना, बनाना में सीड्स नहीं होते. पार्थिनोकार्पिक नेचुरल भी होती है, बनाना में नेचुरल पार्थिनोकार्पिक है. एंड यू कैन आल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक केमिकली ऑक्सिन और जिबरेलिक एसिड का यूज करके. ठीक है, ऑक्सिन और जिबरेलिक एसिड ऐसे हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन, जिनकी मदद से आप जो है पार्थिनोकार्पिक इंड्यूस करा सकते हो. तो इनको हम खुद से इंड्यूस करवा भी सकते हैं और इट कुड बी प्रेजेंट ऑलरेडी इन द केस ऑफ बनाना व्हिच इज नेचुरल टाइप ऑफ पार्थिनोकार्पिक. बेटा आपको समझ आ गए एग्जांपल सारे और टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में डिफरेंस समझ आ गई बेटा. अब इससे अच्छा तो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकते आपको, किसी किताब में भी ऐसे आपको कंपैरिजन नहीं दिया होगा. बच्चे मोस्टली ट्रू फ्रूट्स को जानते हैं क्या होते हैं, पर फॉल्स ऑफ जो पार्थिनोकार्पिक है इनमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं. ये बात याद रखना इनको हम फॉल्स को स्यूडोकार्पिक भी बोलते हैं. स्यूडोकार्पिक राइट. इससे अच्छा कंपैरिजन में आपको कोई नहीं बताएगा. मैंने आपको इसका बता दिया, एग्जांपल भी करवा दिए. फ्रूट्स में आपने इतना ही याद करना है, फ्रूट्स आपका ये टॉपिक हो जाएगा इसके बाद. ठीक है, फ्रूट्स को आपने इसको और एक्सप्लेन नहीं करना. अच्छा खाना नहीं खाया हुआ बेटा, जिंदगी में खाना खाने की क्या जरूरत है बेटा, पानी पियो जिंदा रहो मजे करो. शक्ल लटक गई सबकी, तोते बन गए हैं, नहीं खाया हुआ खाना बस बेटा. चलिए अभी आपने कर लिया, कल शुरू करते हैं, कल फिर एनाटॉमी शुरू करते हैं. एनाटॉमी से पहले एक चार्ट बनवाऊंगी आपको फैमिलीज का कंपैरिजन का, और मेक श्योर आप फैमिलीज के फ्लोरल डायग्राम्स याद कर लोगे. हो जाएगा कि नहीं? अरे पहले यस कर दीजिए. हो जाएगा फ्लोरल डायग्राम चेक कर लेंगे बेटा. ओके कल हम इसकी कंपैरेटिवली स्टडी कर लेंगे और एनाटॉमी भी शुरू कर देंगे अपना चैप्टर. राइट ओके जी, अच्छा लगा, समझ तो आया लेक्चर अच्छे से. इन मजे मजे में समझ आता है कि नहीं आया? Thank you.